अरे जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। जिसने छोटों को भी बड़ा समझा है उसको परमात्मा ने हमेशा बड़ा बनाया है, और जिसने बड़े को भी बड़ा नहीं माना वो कभी बड़ा बन ही नहीं पाया। इसलिए सुना आपने कि जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। आपका देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। दुर्योधन घर पे आया, दुर्योधन घर पे आया, मैं शुक्र करूं साईं का, कोई धन माया का भूखा है, कोई भूखा मान बड़ाई का, मैं अपने मन से बड़ा तकूं, मेरी है बेटा ताई का, और कुर्सी ऊपर बैठा लिया, झट हाथ पकड़ भाई का, करूं सोच के बात भाई का, रंज में बोल पड़ा होगा। दुर्योधन ये सोचने लगे कि इसके 99 भाई मारे गए हैं, ये आज अकेला रह गया है, पता नहीं कितना बड़ा दुख दर्द लेकर के इसने मेरे पास में आने की हिम्मत की है, वरना सुबह मेरा इससे युद्ध होना है और मेरे पास में आया है तो इसको ऐसा ना लगे कि मैं इसके भाइयों को मार करके खुश हूं। हमारे आदरणीय अंकल जी सभी कलाकारों का 100-100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय पंडित जी, जी हाँ, जिन्होंने सभी कलाकारों का 100-100 रुपए से सम्मान किया, और मेरे आदरणीय चाचा रामपाल भाटी जी कुलीपुरा ग्रेटर नोएडा से, उन्होंने भी 2100 रुपए पहले और 200 रुपए फिर देकर के सम्मान हमारे कलाकारों को बढ़ाया। बार बार धन्यवाद। आइए कैसे बना खटाना जी के द्वारा सुनेंगे कैसे बना। ले कुर्सी ऊपर बैठ में बैठो, कुर्सी ऊपर बैठ में बैठो, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है, हुक्म से बाहर
गए और क्या कहने लगते हैं वो तीसरे अंतरा में आप सुनेंगे। दीपा चौधरी के द्वारा एक बार ताड़ियों से दीपा चौधरी का भी सम्मान बढ़ाए। किसे बना मेरे हो करने को त्यार बताओ, हो करने को त्यार बताओ, क्यों ना खोल बताते क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते। जो हुक्म चढ़ाते तकलीफ करी यहाँ आने की, इस दास को वही बुलाते। इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, पास अल्लाह खड़ा होगा जो न बना सके, कोई दरिया बड़ा होगा जो न बना सके। कुर्सी के ऊपर बैठा दिया, पूछने लगे कि तूने आने का क्यों कष्ट किया। आदेश कर दिया होता मैं खुद चल करके तेरे पास में आता, लेकिन तुम आए हो तो आने का कारण बताइए। और अंतिम कली के माध्यम से एक निवेदन है, किसी ने रागनी सुनी हो ना सुनी हो, पहले सुने चाहे बाद में सुने, लेकिन इन चारों लाइनों को जरूर ग्रहण कर लेना। अगर ये चारों लाइन पसंद आ जाए तो ताड़ियों से अपना आशीर्वाद दे देना सुनने के बाद में। जी हाँ, और अमल भी कर लेना इन पे। भाई बेगराज नागर जी चौथे अंतरा के माध्यम से इन चारों लाइनों को कहेंगे। हाँ बिल्कुल, किस तरीके से, क्योंकि भाई मैं गा भी पहली बार रहा हूँ, आइए क्या बता दिया। अच्छी लगे तो एक बार ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दे दे।